के लिए बनाने जा रही हूँ राजमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया था एक कटोरी राजमा, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा था। अब हमें इसे उबलने के लिए रखना है। डालेंगे एक तेज पत्ता, 1/4 चम्मच नमक, नमक कम ही रखना है, 2 कप पानी। इसे उबलने के लिए गैस पर रख देंगे। राजमा हमारा पक चुका है। मैंने इसमें 5 से 6 सीटियां दी थी। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होते ही इसमें थोड़ा खड़े मसाले डालेंगे। इसमें मैंने बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी ली है। अदरक लहसुन थोड़ा सा, 2 हरी मिर्च और 2 कटे हुए प्याज, 4 कटे हुए टमाटर। इन्हें ज्यादा नहीं पकाना, हल्का ही पकाना है। टमाटर प्याज हल्के पक चुके हैं। अब इन्हें निकाल कर जार में डालकर एक प्यूरी तैयार करेंगे। लीजिए, प्यूरी हमारा तैयार हो चुका है। हाँ, एक बात और, आप इसे थोड़ा ठंडा करके ही पीसे, नहीं तो ये जार से बाहर आ जाएगा। चलिए फ्राई करने की तैयारी करते हैं। एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होते ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1/2 चम्मच धनिया। अब हम इसमें प्यूरी ऐड कर देंगे। प्यूरी को अच्छे से पकाना है 10 मिनट तक। 10 मिनट पकाने के बाद ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें उबला हुआ राजमा ऐड करेंगे। राजमे का पानी फेंकना नहीं है, जो पानी उबलते टाइम में इसमें रखा था वही ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट तक पकाना है। राजमा हमारा बनके तैयार है। गैस बंद करेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और सर्व करने की तैयारी करेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है हमारा राजमा। आप इसे रोटी के साथ और चावल के साथ खा सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट चावल है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।